मैं डॉक्टर बीआर लासोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज अपन बीकॉम थर्ड ईयर अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड जीएसटी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ जीएसटी जुड़ी हुई है। जीएसटी अभी नहीं है, पहले इनकम टैक्स में थी, इस साल जीएसटी के दो यूनिट मैनेजमेंट अकाउंट से जोड़ दिए हैं। तो अपन को बुक्स नहीं लेनी, पुराने वाली बुक्स नहीं चलेगी, इसमें काम नहीं आएगी, इसमें चेंज है सिलेबस। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग आज अपन सिलेबस में पहली यूनिट में मैनेजमेंट अकाउंटिंग में का मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, ये अब अपन पढ़ेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हिंदी मतलब हुआ प्रबंध लेखांकन। प्रबंध लेखांकन का मतलब प्रबंध प्लस लेखांकन। प्रबंध लेखांकन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहला प्रबंध, दूसरा लेखांकन। इन मैनेजमेंट और अकाउंटिंग दोनों मिला के मैनेजमेंट अकाउंटिंग बना। अब मैनेजमेंट किसको कहते हैं? मैनेजमेंट का मतलब किसी व्यक्ति को कार्य दूसरों से काम कराने की कला, कला मैनेजमेंट है। तो उस कला से है प्रबंध, उस कला से है जो निश्चित एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानव शक्ति का नेतृत्व, मार्गदर्शन और संचालन करती है, वो प्रबंध है। प्रबंध वो कला है जो निश्चित लक्ष्य, जो टारगेट कंपनी का तय है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानव शक्ति का, कर्मचारियों का, अधिकारियों का नेतृत्व, मार्गदर्शन और संचालन करती है, वो प्रबंध है। प्रबंध का मतलब दूसरे व्यक्तियों से कार्य लेना, किस ढंग से काम ले, लक्ष्य पूरा हो जाए, ये प्रबंध हुआ। अब लेखांकन का मतलब क्या? लेखांकन का मतलब हुआ, लेखांकन का मतलब उन लेन देन या घटनाएं जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति की हो। लेन देन का वित्तीय प्रकृति का होना जरूरी है, यानी कि एक अच्छी हवा आ रही, एंट्री नहीं होगी, एंट्री तभी होगी जो फाइनेंस प्रकृति की हो, जिसमें पैसा लगे, इतने रुपये का माल खरीदा, इतने रुपये का माल बेचा, किराया चुकाया, तो मौद्रिक प्रकृति का हो। उन लेन देन या घटनाएं जो मौद्रिक प्रकृति की हो, वित्तीय प्रकृति की हो, मुद्रा में अभिलेखन करना, अभिलेखन में एंट्री करनी, जनरल में एंट्री करनी, सहायक भैया में एंट्री करनी, वर्गीकरण में लेजर बनाना, सारांश में फाइनल अकाउंट बनाना, और फिर परिणामों के विश्लेषण करना, ये सब लेखांकन के अंदर आता है। लेखांकन के अंदर क्या कि लेखांकन का मतलब उन लेन देन या घटनाएं जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति की हो, वो मुद्रा के रूप में लिखना, वर्गीकरण करना, सारांशित करना और परिणामों की विवेचना करना, करने की कला लेखांकन है। इस प्रकार प्रबंध लेखांकन दोनों का मिक्स है। प्रबंध लेखांकन लेखांकन सूचनाओं का उद्देश्य अनुसार विश्लेषण व्याख्या करके प्रबंध के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, जिससे अपने नीति निर्धारण करना, नियोजन करना, निर्णय और समन्वय कार्य में निष्पादन में सहायता मिले। लेखांकन सूचना विश्लेषण को इस प्रकार प्रस्तुत करें कि अपन उसके बारे में पॉलिसी बना सके, नीति बना सके, नियोजन कर सके, निर्णय कर सके, कोऑर्डिनेशन कर सके, ये सब करना प्रबंध लेखांकन में आता है। प्रबंध लेखांकन जो सूचनाएं हैं उसको इस ढंग से व्याख्या करना, इस ढंग से प्रस्तुत करना, ताकि मैनेजमेंट को निर्णय ले सके, उसके लिए पॉलिसी बना सके, नियोजन बना सके, ये समन्वय स्थापित कर सके, निर्णय ले सके, ये प्रबंध लेखांकन हुआ। अब प्रबंध लेखांकन की प्रकृति और विशेषताएं लगभग लगभग जैसी है। पहली विशेषता अपन से मुख्य मुख्य विशेषताएं सात लिखी है। पहली विशेषता सेवा कार्य, दूसरा समन्वित पद्धति, तीसरा भविष्य से संबंध और चयनात्मक प्रवृत्ति, तृतीय प्रस्तुतिकरण, निर्णय नहीं, लागत तत्वों की प्रकृति व जोर और कारण और परिणाम विवेचन विश्लेषण। ये सात विशेषताएं भी कह सकते हैं, ये प्रकृति में भी है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारा अग्रवाल की किताब में पेज नंबर 1.4 पे दिए हुए हैं, तो ये प्रकृति और विशेषता एक जैसी लिखी हुई है।
लगभग लगभग मिलती जुलती है। तो अपन पहला पॉइंट पढ़ें, सेवा कार्य। पहला पॉइंट कौन सा? प्रबंध लेखांकन की प्रकृति का पहला पॉइंट क्या? सेवा कार्य। दूसरा पॉइंट कौन सा? समन्वित पद्धति। तीसरा कौन सा? भविष्य से संबंधित। चौथा कौन सा? रचनात्मक प्रकृति। पांचवा, तथ्य प्रस्तुतिकरण निर्णय नहीं। और छठा, लागत की लागत तत्वों की प्रकृति पर जोर। सातवां, कारण परिणाम का विश्लेषण। अब पहला सेवा कार्य। अब अपना आता है कि प्रबंध की एक महत्वपूर्ण प्रकृति है सेवा कार्य। विशेषता में प्रबंध लेखांकन एक सेवा कार्य है, क्योंकि इसके अंतर्गत प्रबंधक संस्था की नीतियां निर्धारण करने, विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए चाही गई आवश्यक सूचना समय पर तत्काल उपलब्ध कराते हैं। ये सूचना लागत, मूल्य, आय, लाभ आदि आर्थिक तथ्यों से संबंधित हो सकती है। इनका उपयोग प्रबंध संस्था के निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति में करता है। तो इस प्रकार ये सेवा है। सेवा का मतलब ये हुआ कि इस प्रबंधक को पॉलिसी बनाने के लिए सूचनाएं, आवश्यक सूचना देने का काम करता है। इसका मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक सेवा कार्य है। दूसरा पॉइंट है समन्वित पद्धति। समन्वित पद्धति में समन्वित पद्धति कैसे? प्रबंध लेखांकन एक समन्वित पद्धति है जिसके अंतर्गत अनेक विषय, प्रणालियाँ, पद्धतियाँ, प्रविधियाँ, प्रारूपों और अन्य संबंधित तथ्यों का समावेश किया जाता है। इसमें अर्थशास्त्र भी आता है, सांख्यिकी आती है, व्यवसायिक नियमन है, मनोविज्ञान है आदि विषयों का व्यवहारिक प्रयोग करने के साथ साथ लागत लेखा, वित्तीय लेखा, बजट नियंत्रण, प्रमाप आदि तकनीकों का प्रयोग होता है। इसका मतलब सबका समावेश हो रहा है, इसलिए ये समन्वित पद्धति भी है। समन्वित पद्धति भी है क्योंकि इसके अंदर अर्थशास्त्र भी है, सांख्यिकी भी है, नीतियाँ भी है, बजट बनाना भी है, कॉस्टिंग भी है, फाइनेंस अकाउंटिंग भी है। इसका मतलब ये समन्वित पद्धति है। अब है तीसरा जो विशेषता या प्रकृति आई वो है भविष्य से संबंधित। प्रबंध लेखांकन भूतकालीन का नहीं, भविष्य के बारे में निर्णय लेना, भविष्य के बारे में। प्रबंध लेखांकन केवल भूतकालीन तथ्यों पर निर्भर नहीं करता है। भूतकालीन तथ्य केवल क्या घटित हुआ यही स्पष्ट करते हैं, कार्य कुशलता का स्तर क्या होना चाहिए इस पर प्रकाश नहीं डालते। भूतकालीन कहते हैं भाई ये काम हो गया, क्या होना चाहिए ये नहीं बताता, कैसे करना चाहिए ये नहीं लिखाता। तो प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत भविष्य पर अधिक जोर दिया जाता है। भविष्य में योजनाएं, पूर्व निर्माण तैयार किए जाते हैं। भविष्य वर्तमान के रूप में सामने आ जाता है, उसका विश्लेषण करके आलोचनात्मक जांच की जाती है। इसके लिए बजट नियंत्रण, प्रमाप नियंत्रण, लागत लेखांकन, विचरण विश्लेषण पद्धतियाँ प्रयोग में ली जाती है जो भविष्य में प्रकाश डालती है। ये फ्यूचर पे जोर देता है कि फ्यूचर में क्या होना चाहिए, कैसे योजना बननी चाहिए। तो ये फ्यूचर के ऊपर जोर देता है। तो फ्यूचर से संबंधित हुआ भविष्य संबंधित। चयनात्मक बात आई, चयनात्मक प्रकृति। चयनात्मक प्रकृति प्रबंध लेखांकन चयनात्मक प्रकृति का है। चयनात्मक प्रकृति का है, इसमें विभिन्न सामान प्रकृति एवं विशेषता वाली योजना का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, कंपेरेटिव स्टडी की जाती है विभिन्न योजनाओं की। और जो योजना सर्वाधिक लाभप्रद एवं श्रेष्ठ होती है उसी का चुनाव किया जाता है। तो चयनात्मक हो गया कि विभिन्न योजनाओं की तुलना करनी, फिर कौन सी योजना चुननी, ये जो लाभप्रद हो ये। इसी तरह प्रबंध के समक्ष किसी विषय से संबंधित अनेक सूचनाएं में केवल वे ही सूचनाएं प्रस्तुत की जाती है जो जानकारी प्रबंध के लिए महत्वपूर्ण हो। अब आता तथ्य प्रस्तुतिकरण निर्णय नहीं। पांचवी बात, तथ्य प्रस्तुतिकरण लेकिन निर्णय नहीं। मैनेजमेंट अकाउंटेंसी की प्रकृति कैसे बनी कि तथ्य प्रस्तुतिकरण और निर्णय नहीं? तो प्रबंध लेखांकन
लेखापाल महत्वपूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक तथ्य जुटाता है, उनका विश्लेषण प्रस्तुतिकरण प्रबंधक के समक्ष रखता है, स्वयं निर्णय नहीं लेता है। प्रबंध लेखापाल निर्णय लेने के लिए आवश्यक तथ्य जुटाता है, आंकड़े जुटाता है, उनका विश्लेषण करता है, प्रस्तुत करता है, लेकिन स्वयं निर्णय नहीं लेता है। तथ्य प्रस्तुतिकरण तो है, लेकिन निर्णय लेना प्रबंध का कार्य है। प्रबंध की कुशलता और योग्यता पर निर्भर करता है कि वह इस सूचना का उपयोग किस सीमा तक करता हो। यह एक मानव चित्र की भांति है, जो किसी दिशा में यात्रा करता है, लेकिन वो यह बताए कि वह कहाँ जाएगा। ये छठा पॉइंट है, छठा प्रकृति है लागत तथ्यों की प्रकृति भी जो प्रबंध लेखांकन में लागत तत्व की प्रकृति पर जोर दिया है। लागत के तत्व के विभिन्न तत्वों पर ध्यान दिया है कि कौन से लागत के तत्व स्थायी प्रकृति के हैं, फिक्स कौन से हैं, वेरिएबल कौन से हैं, सेमी वेरिएबल कौन से हैं, उसका सीमांत लागत विश्लेषण करना, प्रत्यक्ष विश्लेषण, लागत लाभ मात्रा विश्लेषण करना पर आधारित है। लागत तत्वों पर जोर देता है। प्रबंध लेखांकन लागत की तत्वों की प्रकृति पर विशेष ध्यान देता है, क्योंकि सही निर्णय लेने के लिए विभिन्न विकल्पों का लेखांकन द्वारा मूल्यांकन लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर किया जाता है। तो इसलिए लागतों का विश्लेषण करना, लागतें फिक्स कौन सी, वेरिएबल कौन सी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, तो ये इससे प्रबंध को निर्णय में सहायता मिलती है। तो ये लागतों की तत्वों की प्रकृति पर अधिक जोर देता है। अब आता है कारण परिणाम विश्लेषण। प्रबंध लेखांकन की प्रकृति कारण परिणाम विश्लेषण भी है। कारण परिणाम विश्लेषण का मतलब प्रबंध लेखांकन कारण एवं उसके परिणाम पर विशेष जोर देता है। उदाहरण के लिए वित्तीय लेखांकन लेखों में लाभ की केवल मात्रा दिखाई जाती है। प्रबंध लेखांकन में यह ज्ञात किया जाता है कि लाभ किन कारणों से हुआ, लाभ हुआ वित्तीय लेखांकन में बताते इतना लाभ हुआ वर्ष का, किन किन कारणों से लाभ हुआ या हानि भी हुई तो किन कारणों से हुई, तो किन कारणों से हुई इस वो दिखाता है। इसके लिए विभिन्न मदों का विक्रय से संबंधित स्थापित किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है। संस्था की वित्तीय स्थिति, क्रियाशीलता और शाख पर पड़ने वाले प्रभावों को जाना जाता है। इसका कारण क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात का अध्ययन इसमें किया जाता है। अब अपन ने आज किस पे डिस्कस किया, थोड़ा सा वापिस रिपीट। आज अपन ने बीकॉम थर्ड ईयर का अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसकी यूनिट फर्स्ट यूनिट में पहला है मैनेजमेंट अकाउंटिंग मीनिंग और नेचर। मीनिंग क्या है, प्रकृति क्या है, विशेषता क्या है, अपन ने पढ़ा कि प्रबंध लेखांकन का अर्थ क्या हुआ। प्रबंध लेखांकन का मतलब प्रबंध, मैनेजमेंट का मतलब वो कला जो लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए मानव शक्ति का नेतृत्व करे, मार्गदर्शन करे, संचालन करे, वो सब प्रबंध है। लेखांकन मतलब ऐसे लेन देन घटनाएं जो वित्तीय प्रकृति के हो, पूर्ण से हो चाहे आंशिक हो, उनको मुद्रा में लिखना, अभिलेखन करना, वर्गीकरण करना और सारांश से फाइनल अकाउंट बनाना, परिणामों का विश्लेषण करना, प्रबंध ये लेखांकन है। कुल मिला के मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब हुआ सभी सूचनाओं को उद्देश्य अनुसार तैयार करें, विश्लेषण व्याख्या करें जिससे निर्णय लिया जा सके, प्रबंधक पॉलिसी बना सके, नियोजन कर सके, निर्णय कर सके, समन्वय स्थापित कर सके। प्रबंध लेखांकन की प्रकृति विशेषताएँ, प्रबंध लेखांकन की प्रकृति विशेषता है मैं मुख्य सात लिखी। पहली विशेषता, यह एक सेवा कार्य है,
समन्वित पद्धति है, भविष्य से संबंधित है, चयनात्मक प्रकृति है, तथ्य प्रस्तुतिकरण निर्णय नहीं, लागतों की प्रकृति व जोर, कारण कौन से हैं, इसका परिणाम क्या होता है, इस सब ये सब लेखांकन पर लेखांकन की प्रकृति या विशेषता में लिखना है। ठीक, धन्यवाद।